और वीक है या पावरफुल है उसका कैसे पता चलेगा कि मेरा माइंड वीक है या पावरफुल है, वो कैसे पता चलेगा? मेरा प्रभाव सिचुएशंस पर आता है या सिचुएशंस का प्रभाव मेरे पर आता है? क्या सच है? मेरा प्रभाव सिचुएशन पर आता है या सिचुएशन का प्रभाव मेरे पर आता है? मेरा इन्फ्लुएंस लोगों पर आता है या लोगों का इन्फ्लुएंस मेरे पर आता है? कौन सा सच है? कौन सा सच है? चलो सिचुएशन देखते हैं पहले। बात आई परिस्थिति है, मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है या सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? मेंटल इमोशनल पावर पे ये डिपेंड करेगा कि आप चॉइस कौन सी करेंगे, लेकिन सिचुएशन है सामने, सिचुएशन में मुझे कैसा फील करना है वो मेरी चॉइस है या सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा ऐसा करते हैं, एक मिनट आंख बंद करो और लास्ट सीन ले आओ इस वीक में, कोई भी सीन हुआ हो जब माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात ऐसी आई, कोई सिचुएशन में हम थे, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ, एक सिचुएशन थी, परिस्थिति, एक मेरे मन की स्थिति थी। अब चेक करना है सिचुएशन जैसी थी उसकी वजह से मेरे मन की स्थिति बनी या मेरे मन की स्थिति इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन है, कि सिचुएशन कैसी भी हो मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है। और क्या ये पॉसिबल है कि उसी सिचुएशन में मेरे मन की स्थिति काम एंड स्टेबल रहे, शांत डिस्टर्ब्ड नहीं, वही सिचुएशन के अंदर, वही सिचुएशन जो दिखी? एक मुश्किल है, दूसरा पॉसिबल है, कम से कम पॉसिबल है वो ही बहुत बड़ी बात है, मुश्किल इजी तो फिर भी हो सकता है, पॉसिबल ही ना हो तो फिर तो ट्राई ही क्यों करें। तो पहले तो ये क्लियर होना है किसका इन्फ्लुएंस किस पे पड़ रहा है। ये सिचुएशन है, ये मेरे मन की स्थिति है, ज़्यादा पावरफुल कौन है? होनी चाहिए नहीं, वैसे ही कौन है ज्यादा पावरफुल, सिचुएशन या मेरे मन की स्थिति? मन की स्थिति। अभी हम अगर ध्यान नहीं रखें इस बात पर तो हम कहेंगे सिचुएशन ऐसी थी तो मैं डिस्टर्ब हो गया। ये लाइन हम बहुत टाइम से बोल कर आए हैं, सिचुएशन अच्छी थी तो मैं खुश। जितनी बार इस लाइन को बोलेंगे हम यहां पे कौन सी प्रोग्रामिंग पक्की कर रहे हैं? दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ट्रैफिक था तो इरिटेट तो होना ही था, बात उन्होंने ऐसी की तो बुरा तो लगना ही था, काम उनको दिया था उन्होंने पूरा नहीं किया गुस्सा तो आना ही था, बच्चा फेल हुआ उदास तो होना ही था। एक एक लाइन is reinforcing a programming. क्या programming बोल रही है ये? कि यहाँ जो चलता है, how I think, how I feel, how I speak, how I behave, which means मैं, the I, ये I किस पे dependent हो गया? Situations पे। और कितने दिन से? अब तो इतना dependent हो गया कि हमने कहा ये तो नेचुरल है, ऑब्वियसली ना, जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही तो मेरा मूड होगा, तो हमने तो कह दिया ये इक्वेशन ही राइट है,
अब सिचुएशंस, परिस्थिति मेरी चॉइस की, सिचुएशंस परिस्थितियां मेरी चॉइस की होती नहीं, होती नहीं। सोचते हैं हम कुछ होगा, सिचुएशन सडनली कुछ और हो जाती है। सामने वाला हम सोचते हैं ऐसे बात करेगा, वो एकदम से कुछ और तरह से बात करता है। बाहर भी क्या जाना, घर के लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर, वो सडनली कोई और तरह से बिहेव करते हैं। तो सारा दिन में कितनी सिचुएशंस हैं, सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन। जस्ट साक्षी होकर देखो हमने क्या प्रोग्रामिंग कर दी है। सारा दिन में सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन एक सिचुएशन है और हमने कह दिया मेरे मन की स्थिति इस पे डिपेंडेंट है। अब सीन हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो रहा है, तो कभी अच्छा कभी नहीं, कभी बिल्कुल अच्छा नहीं, कभी बहुत अच्छा, फ्लक्चुएशन। और हमने कहा मेरा माइंड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, तो फिर मेरा माइंड भी सारा दिन क्या होगा। अब जब मुझे ये लग गया कि मेरा माइंड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, बट मुझे खुश रहना है, तो मैंने सोचा सिचुएशंस मेरी लाइफ की हमेशा कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि सिचुएशन परफेक्ट होगी देन आई विल बी परफेक्ट। तो आई का सिंपल फॉर्मूला बना दिया, आई इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन और जीवन बीत रही है। अब सिचुएशन सडनली ज्यादा बदलती गई, जिस समय तक सिचुएशन मोर और लेस ठीक ठाक चलती थी और आय को सिचुएशन पे डिपेंडेंट कर दिया था, तो आय भी मोर और लेस ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ लिए, डिग्री ले ली, नौकरी मिल गई, लोग कहते थे चलो अभी सेफ, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक सेफ। तो माइंड भी सेफ था, क्योंकि जॉब सेफ थी तो माइंड भी सेफ था। आज तो नहीं पता है,